तो गैस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये यदि आप भी अपने मोबाइल में फेब इंडिया एप्लीकेशन में यदि गैस आप भी अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो गैस अपना अकाउंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो गैस जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गैस सब्सक्राइब कर लीजिए और गैस बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करके ऑल सेट कर लेना जिससे ये इतनी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो गैस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गैस आपको अपने मोबाइल में फेब इंडिया एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करते गए हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। तो यहाँ पर गैस अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो नीचे की साइड आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसी के सबसे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन शो करेंगे, एक तो लॉगिन एक रजिस्टर वाला। तो गैस आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जिससे कि सबसे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट में तो गैस आपको अपना जो फुल नेम है उसे यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो यहाँ पर गैस मैं अपना जो फुल नेम जो है उसे यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। पहले तो गैस आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर कर लेना है, फिर गैस सेकंड वाले ऑप्शन में लास्ट नेम एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद आपको अपना जो मोबाइल नंबर जो है उसे एंटर कर लेना है। फिर गैस आपको जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि जब यहाँ पर जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर गैस आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को गैस आपको यहाँ पर एंटर करके कंफर्म ओटीपी पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर गैस मैंने ओटीपी एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद कंफर्म ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि जब उस पर क्लिक करेंगे तो गैस आपका जो ओटीपी है वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर गैस आपको अदर डिटेल्स पूछेगा तो इसमें गैस आपको अपना जो फर्स्ट तो गैस आपको अपना जो ईमेल आईडी है उसे यहाँ पर एंटर कर लेना है। फिर गैस आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना होता है। तो यहाँ पर गैस मैं अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद फिर से गैस आपको अपना जो पासवर्ड है उसे यहाँ पर फिर से एंटर कर लेना होता है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अपना जो जेंडर है उसे चूज़ कर लेना है। जेंडर चूज़ करने के बाद आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसे यहाँ पर चूज़ कर लेना होता है। तो यहाँ पर गैस मैं अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसे यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कोई रेफरल कोड है आपके पास तो रेफरल कोड एंटर कर सकते हैं। फिर गैस आपको यहाँ पर क्या करना है कि गैस आपको साइन अप फॉर फेब इंडिया न्यूज़लेटर्स के बाद ऑप्शन पर टिक कर लेना है। इस पर टिक करने के बाद रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे गैस आप यहाँ पर रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो गैस आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गैस आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है गैस। फिर गैस आपको क्या करना है कि गैस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर गैस आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को गैस आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद कंफर्म ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि जब से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए गैस आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरह से गैस यदि गैस आप भी अपने मोबाइल में फेब इंडिया एप्लीकेशन में यदि गैस आप भी अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो गैस कुछ इस टाइप से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं गैस। तो उम्मीद करता हूँ गैस आपको वीडियो चलो वो और वीडियो चलो तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गैस ताकि गैस वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रही है। थैंक यू गाइस।